ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो हम कल एग्जाम्पल फोर तक कर दिया था, आज हम एग्जाम्पल नंबर फाइव से आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल फाइव में बोला है कि एक्सप्रेस टेन इनवर्स कॉस एक्स अपन वन माइनस साइन एक्स, और वहां पे एक्स है वो पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू में लेना है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये सम है एग्जाम्पल नंबर फाइव, वो थोड़ा सा टफ है, इसमें ज्यादा सोचना पड़ता है। ओके, तो हमारा यहाँ पे टारगेट कौन सा रहेगा, आप देखो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि यहाँ पे टेन इनवर्स हमें कट करना है। तो हमें यहाँ पे टेन इनवर्स कट करने के लिए अंदर टेन को अंदर जो है यहाँ पे टेन बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसका यूज करके हम टेन बनाते हैं। तो टेन कैसे बनाते हैं, तो यहां पे देखो टेन इनवर्स कॉस एक्स tan इनवर्स cos x अपॉन वन माइनस साइन एक्स, हमारा टारगेट ये है कि अंदर हमें tan बनाना है। अंदर अगर tan बन जाएगा तो tan इनवर्स एंड tan कट हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब हमें tan के लिए हम ऊपर cos x है उसे sin बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि sin अपॉन cos होगा तो tan हो जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन अभी के लिए हम ये करते हैं। तो cos x को sin बनाने के लिए हमें हमारे पास फॉर्मूला है sin pi by 2 minus x। ओके, ये कहां से लिखा मैंने फॉर्मूला, 11 स्टैंडर्ड में, आप देखो 11 स्टैंडर्ड का जो आपने मैंने दिया था उसमें सेकंड नंबर का फॉर्मूला cos x विच इज इक्वल टू sin pi by 2 minus x। पाई बाय 2 में से अगर हम किसी को प्लस या माइनस करते हैं तो साइन का कोस, टेन का कोट, कोसेक का सेक हो जाता है, वो हमें पता। ओके, ये हो गया। फिर नीचे वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स, तो साइन का मैं कोस बना देता हूं। देखो माइनस साइन है, साइन का मैं कोस कैसे बना सकता हूं, वाई बाय टू माइनस एक्स। ओके, इतना मैं कर सकता हूं, फाइन। अब मैं क्या करता हूं, टेन इनवर्स, एक मिनट, टेन इनवर्स तो इस सब में है, वन माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स। ओके, एंड यहां पे हमें हमने क्या किया, कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स, यानी कि पाई बाय टू यहां पे आता है एंड माइनस एक्स यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमने ओके तो हमें यहाँ पे टेन इनवर्स है, यहां तक तो आपको पता चल गया होगा। अब एक हमारा फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था, आई थिंक कहाँ पे लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं, साइन वाला, साइन टू एक्स वाला, एट नंबर में देखो। ओके, तो साइन टू एक्स विच इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाता है, यानी कि यहाँ पे टू एक्स है तो एंगल आधा हो जाता है। तो यहां पे देखो पाई बाय टू माइनस एक्स है, टू एक्स की जगह क्या है, पाई बाय टू माइनस एक्स, तो यहां पे क्या होगा, टू साइन एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स, और ये एंगल का आधा यानी कि पाई टू, सेम टू सेम यहां पे कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स लेकिन होल डिवाइड, ये एंगल को डिवाइड करना है हमें, कॉस या साइन को नहीं करना। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो टू साइन, मैंने यहां पे टू यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि ऐसा किया पाई माइनस टू एक्स बाय टू एंड एक्स्ट्रा टू है इंटू टू, यानी कि फोर हो जाएगा। ओके, तो पाई माइनस टू एक्स बाय फोर लिख सकता हूं, सेम टू सेम पास उसके पास वाले कॉस में भी ऐसा होगा, पाई माइनस टू एक्स बाय फोर। ओके, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूं,
क्या आएगा, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टू साइन पाई माइनस टू एक्स बाय फोर इंटू कॉस पाई बाय पाई माइनस टू एक्स बाय फोर। ओके, फिर उसके नीचे नीचे क्या होगा, वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। आपको मैं अभी दिखा देता हूं कहां पे है, वन माइनस कॉस एक्स का हमें लिखा है कि नहीं लिखा, साइन वाले में लिखा है हमें, हमने सॉरी साइन वाले में नहीं लिखा है, आई थिंक हमने लिखा नहीं ये फॉर्मूला, तो कोई बात नहीं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। तो क्या होगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू यानी कि जो थीटा होता है उसका आधा यानी कि पाई माइनस टू एक्स बाई फोर कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है साइन टू थीटा या टू एक्स लिखो या थीटा लिखो विच इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा, यानी कि अगर सॉरी टू आगे आएगा टू, एक काम करते हैं टू थीटा के लिए नहीं लिख, थीटा के लिए लिखते हैं, देखो क्या फॉर्मूला है वन माइनस कॉस थीटा, अगर ऐसा कहीं पर लिखा है वन माइनस कॉस थीटा तो हमें बीच में माइनस है तो टू साइन लेना, अगर माइनस है तो साइन, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा बाय टू यानी कि एंगल आधा, सेम टू सेम अगर कहीं पर वन प्लस कॉस थीटा है तो हमें क्या लेना है टू, बीच में प्लस है तो कॉस लेना है थीटा बाय टू सेम टू सेम। ओके, अगर बीच में माइनस है तो साइन लेना है, बीच में प्लस है तो कॉस लेना। ओके, ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखो वन माइनस कॉस है, ये फॉर्मूला आप लिख लेना, वन माइनस कॉस है तो टू साइन स्क्वायर एंगल आधा यानी कि पाई बाय टू माइनस एक्स का आधा पाई माइनस टू एक्स बाय फोर ऊपर हमने किया सेम टू सेम। ओके, यहाँ पे देखो ये टू टू कट हो जाता है, यहाँ पे साइन साइन कट हो जाता है, कॉस अपॉन साइन यहाँ पे आता है, तो आप देख सकते हैं टेन इनवर्स कॉस अपॉन साइन आता है, यहाँ पे टू साइन स्क्वायर था तो एक साइन बचा है यहाँ पे, तो कॉस अपॉन साइन में डायरेक्टली कॉट लिख लेता हूं, कॉट पाई माइनस टू एक्स बाय फोर। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे टेन चाहिए, तो टेन के लिए क्या करते हैं, हमें हमें पता है वो वाला अभी जो यहाँ पे किया पाई बाय टू माइनस एक्स वही करेंगे, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाय टू माइनस एक्स यानी कि पाई बाय टू माइनस थीटा लेना है। ओके, तो थीटा यहाँ पे कौन सा है, पाई माइनस टू एक्स, ये पूरा थीटा सपोज करो आप, ये पूरा हमारा क्या है थीटा। ओके, तो पाई बाय टू माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई माइनस टू एक्स बाय फोर। ओके, अब थोड़ा हम सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, टेन पाई बाय टू यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे माइनस पाई बाय फोर एन प्लस टू एक्स बाय फोर। ओके, फोर भी हमने इंडिविजुअल दे दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर तो कितना आएगा टू, यहाँ पे तो प्लस पाई बाय फोर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर प्लस टू एक्स से टू कट एक्स बाय। ओके, अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, अब टेन टेन को हम कट कर सकते हैं, तो ये मैं अभी चलो यहाँ पे हम कर देंगे, हमें पता है ये टेन टेन हम कट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, हमने आगे पढ़ा था टेन इनवर्स टेन थीटा विच इज इक्वल टू थीटा कब लिख सकते हैं, जब ये वाला थीटा पीवीबी में हो, किसके टेन के, तो टेन का पीवीबी कौन सा होता है, साइन वाला यानी कि माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू उसमें होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, जो हमारा पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू है वो
माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू में होना चाहिए ओपन इंटरवल, ओके। उसके बाद हम इसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है वो लिखते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन है, तो कंडीशन कौन सी है, माइनस पाई बाय टू लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय टू, ओके। अंदर उन्होंने डायरेक्टली कट कर लिया है, लेकिन आप हम नहीं कर सकते ऐसा कर, ओके। माइनस पाई बाय टू लेस देन एक्स लेस देन पाई बाय टू, लेस देन वाला ही दिया है। अब टेन थीटा सॉरी पाई बाय एक्स बाय टू है, एक्स बाय टू पहले करते हैं, तो एक्स बाय टू यानी कि पाई बाय फोर, एक्स बाय टू पाई बाय फोर। फिर से हमें पाई बाय फोर एड करना है, देखो ये सिंपल ही है, पाई बाय फोर फिर से एड करना है। तो माइनस पाई बाय फोर में फिर से पाई बाय फोर एड करेंगे, तो यहाँ पे जीरो लेस देन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, और पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर विच इज पाई बाय टू, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टारगेट कौन सा था, यहां से यहां में ये हमारा जो पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू है वो बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पे हमने दिखा दिया जीरो से पाई बाय टू में बिलोंग करता है, यानी कि इसमें बिलोंग करता है, ओके। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में बिलोंग करता है। तो आप लिख सकते हैं हियर ये जो पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में बिलोंग करता है, इसलिए हम इसे कट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में, पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, ओके। ये वाला जो कंडीशन है ये आप यहाँ पे लिख लेना बीच में, फाइन। थोड़ा पेशेंट माइंड से करेंगे तो हो जाएगा अच्छे से। अब सिक्स नंबर पे आ जाते हैं। सिक्स नंबर में हमें दिया है कॉट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और हमें x की वैल्यू दी है ग्रेटर देन वन, ओके। तो यहां पे हम क्या करते हैं, अब हमें पता है हमें यहां पे बाहर कॉट इनवर्स है यानी कॉट है, तो अंदर हमें कॉट लाना पड़ेगा, ओके। अंदर हमें कॉट लाना पड़ेगा, तो ओके अंदर हमें कॉट लाना पड़ेगा। कॉट लाने के लिए हमें यहां पे देखो वन अपॉन है, वन अपॉन है, वन अपॉन समथिंग है। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह कुछ भी सपोज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे हम क्या लाने का ट्राई करेंगे, tan अगर नीचे आ जाता है tan थीटा, तो वन अपॉन tan थीटा cot थीटा हो जाएगा, ओके। तो नीचे हम क्या लाने का ट्राई करेंगे, tan थीटा। तो एक हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने आपको कल लिखाया था, sec square theta minus tan square theta which is equal to 1। अब हमें tan का टारगेट है, तो मैं tan को इस तरफ ले जाता हूँ, वन को इस तरफ ला लेता हूँ, तो sec square theta minus 1 which is equal to tan square theta, ओके। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू sec थीटा हम सपोज करेंगे तो x स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे tan स्क्वायर हो जाएगा, एंड tan स्क्वायर वन अपॉन tan स्क्वायर है एंड अंडर रूट भी है, तो tan स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि tan बच जाएगा, एंड वन अपॉन tan है विच इज इक्वल टू cot, ओके। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे या ले लेंगे x इज इक्वल टू sec, ओके। तो हमें यहां से पता चल जाता है कि थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। अब हम लिखते हैं कॉट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह सेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ओके हो गया। अब फिर यहां पे लिखते हैं कॉट इनवर्स वन अपॉन सेक्वल थीटा माइनस वन विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा, बट अंडर रूट तो है टेन स्क्वायर थीटा, ओके। अब अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट हो जाएगा, यानी कि कॉट इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा,
cot इनवर्स 1 अपॉन टेन थीटा विच इज इक्वल टू cot थीटा। ओके अब हम cot इनवर्स एंड cot को कट कर सकते हैं। देखो cot इनवर्स एंड cot को अगर कट करेंगे तो यहां पे थीटा बचता है एंड थीटा विच इज इक्वल टू sec इनवर्स x। तो हमारा आंसर ये मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि cot इनवर्स एंड cot मैंने डायरेक्टली कट कर लिया, आपको दिखाया नहीं कि थीटा किसमें है। ओके तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं थीटा, थीटा हमें पता है यहाँ पे cot में थीटा कहाँ से कहाँ का होना चाहिए, डायरेक्टली हो जाता है इसलिए मैंने नहीं दिखाया। थीटा कहाँ से कहाँ का होना चाहिए cot में, cot यानी कि पाई बाई cos वाला, तो जीरो से लेके पाई तक होना चाहिए। ओके यानी कि थीटा बिलोंग्स टू जीरो से पाई। ओके तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया, सेक थीटा लिया है सपोज, तो सेक थीटा कहाँ से कहाँ का होता है हमें पता है कि सेक थीटा होता है, और यहाँ पे देख सकते हो क्या है दिया है यहाँ पे। इन शॉर्ट आप ऐसे सपोज कर सकते हैं, देख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं। sec थीटा कहाँ से कहाँ का होता है, sec थीटा तो हमें पता है sec थीटा यानी कि 1 अपॉन cos, तो वो जीरो से पाई में ही बिलोंग करता है, जीरो से पाई यहाँ पे थीटा, तो आप देख सकते हो जीरो से पाई में बिलोंग करता है, यहाँ पे जीरो इंक्लूड है और यहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं है। ऊपर वाला जो sec थीटा हमने सपोज किया था वो जीरो से पाई में बिलोंग करता है, और यहाँ पे थीटा ही है, टू थीटा होता तो चेंज हो सकता था, लेकिन टू थीटा या थीटा बाई टू ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे थीटा ही आता है, यहाँ पे सपोज करने के बाद भी यहाँ पे थीटा आता है, इसलिए हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्टली आ ही जाएगा। आप देख सकते हैं थीटा जीरो से पाई में ही आता, ऊपर भी जीरो से पाई में। ओके तो इसमें कोई देखने की ज्यादा जरूरत नहीं, तो हमारा ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 में चले जाते हैं, तो प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके एंड बाजू में उन्होंने कंडीशन दी है, आई थिंक कंडीशन की जरूरत हमें पड़ेगी तो सही, चलो बाद में देखते हैं कंडीशन। तो यहाँ पे प्रूव दैट है यानी कि हमें ये प्रूव करना है। ओके तो आप यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड अगर देखेंगे तो कुछ खास दिखाई नहीं देगा, लेकिन राइट हैंड साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, इससे आपको कुछ अंदाजा आता है कि ऐसा कुछ फॉर्मूला है tan में। देखो आप tan में ऐसा कुछ फॉर्मूला है, कहाँ पर है tan 3x वाला, देखो 11 स्टैंडर्ड में 12 नंबर का फॉर्मूला, देखो 11 स्टैंडर्ड में 12 नंबर का साइन 3x कॉस 3x वैसा ही tan 3x, तो tan 3x का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं थीटा ले लेता हूं। ओके तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि यहाँ पे स्क्वायर होता है, ऊपर क्यूब आता है नीचे स्क्वायर आता है, तो यहां से आप देख सकते हो अगर मैं x की जगह tan थीटा थीटा रख दू तो यहाँ से tan इनवर्स एंड tan कट हो जाएगा। ओके tan थीटा रख दू यहाँ पे x की जगह तो 3 tan थीटा फिर tan क्यूब थीटा 3 tan square theta 1 minus, तो ये tan 3 theta वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। ओके तो वही हम करते हैं, तो हम यहाँ पे RHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं लेते पहले, तो RHS से LHS प्रूफ करेंगे। तो RHS में हमें हम ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू, पहले ले लेते हैं यहाँ पे हियर लेट x इज इक्वल टू tan theta ले लेते। ओके तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x होता है,
तो अब हम RHS ले लेते हैं राइट हैंड साइड, तो tan इनवर्स 3, x की जगह tan थीटा माइनस x की जगह tan थीटा यानी कि क्यूब थीटा, 1 माइनस 3 x की जगह tan थीटा यानी कि tan स्क्वायर थीटा, ओके tan स्क्वायर थीटा। और हमें पता है अंदर वाला फॉर्मूला क्या बनता है, tan 3 थीटा यानी कि tan इनवर्स tan 3 थीटा, ओके यहां से हम tan tan कट कर देंगे, क्या बचेगा tan tan इनवर्स एंड tan कट हो जाएगा, 3 थीटा बचेगा एंड 3 थीटा व्हिच इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ओके। अब हमने यहां पे RHS लिया है, फिर भी हमें LHS अभी तक नहीं मिला है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे 3 tan इनवर्स x है उसे मैं डिवाइड करता हूं दो पार्ट में, कैसे करता हूं, एक tan इनवर्स x यहां पे रखता हूं एंड दो tan इनवर्स x यहां पे, यानी कि 1 plus 2 3 हो जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x plus 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x एज इट इज रखते हैं, क्योंकि ये तो हमारा हमें मिल गया tan इनवर्स x, यहां पे हमें चाहिए, ओके यहां पे कुछ और चाहिए, और के लिए हमारा ये तो फॉर्मूला ही है, देखो आप 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला 6 नंबर में स्टैंडर्ड 12 6 नंबर में देखो 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखो, लास्ट वाला 6 नंबर पे थर्ड नंबर वाला देखो, ओके तो ये हो जाता है, तो ये यहां से डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला लिख सकते, तो ये हो गया हमारा LHS, ओके तो हमने प्रूव कर लिया RHS विच इज इक्वल टू LHS, ओके। और मैंने ये फॉर्मूला की जो लिंक है वो कल जो अपलोड किया था वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप कभी भी देख सकते हैं, ओके। चलो फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं मैंने क्या किया, RHS से हम स्टार्ट करेंगे, x इज इक्वल टेन थीटा अगर रखेंगे तो हमें पता है कि अंदर tan 3 थीटा बनता है, ओके ये कुछ देखा सा लगता है, तो tan इनवर्स tan कट हो जाएगा, 3 थीटा यहाँ पे बच जाएगा, थ्री थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स x, ओके। अब हमें पता है कि अभी तक हमारा आंसर नहीं आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अभी तक नहीं आई है, तो 3 है उसमें से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 रखा यहाँ पे 2 रखा, तो ये फर्स्ट वाला तो यहां से आ गया, इसको एज इट इज रखा, और इसका फॉर्मूला हमें पता है 2x अपन 1 माइनस x स्क्वायर जो हमें चाहिए, ओके तो LHS हमें मिल गया। अब 8 नंबर पे आ जाते हैं, एग्जांपल नंबर 8 है cos sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब आप देख सकते हैं जो cos के पेट में है उसका फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली है, स्टैंडर्ड 12 फोर्थ नंबर का फॉर्मूला, उसमें थर्ड फोर्थ में थर्ड देखो cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, ओके तो वो वहां से मैं पाई बाय 2 डायरेक्टली लिख सकता हूं, ओके स्टैंडर्ड 12 फोर्थ में थर्ड, ओके और cos पाई बाय 2 की वैल्यू हमें पता है क्या आती है, 0, तो ये तो सिंपल ही है, ओके दो स्टेप। ओके तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.2, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हमें करना है क्या, प्रूव द फॉलोइंग, हमें प्रूव करना है दोनों तरफ LHS विच इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 3 साइन इनवर्स x विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। RHS से आपको कुछ आइडिया मिलता होगा आई थिंक, कुछ आइडिया मिलता है RHS से, देखो 3x माइनस 4x क्यूब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है, बनाना चाहिए तो हम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास पता है कि 3 फोर 3 यानी कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो यहां पे देखो x की जगह अगर मैं साइन थीटा रख देता हूं
तो ये वाला ऊपर वाला आ जाता है। ओके तो ऊपर भी हम क्या से स्टार्ट करेंगे, आरएचएस से, और हमें प्रूफ भी साइन ही करना है। ओके तो अगर हम अंदर यहाँ पे साइन इन उसके पेट में क्या ला देंगे, साइन ला देंगे, तो साइन इन उसके साथ साइन कट हो जाएगा, फिर आगे देखा जाए। ओके तो इन शॉर्ट आप दूसरी बात ऐसे याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब यहाँ पे है, राइट, एंड यहाँ पे हमें प्रूफ करना है 3 साइन इनवर्स x। ओके पहले हम इसको लेंगे और प्रूफ ये करेंगे, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x प्रूफ करना है, तो हम x इज इक्वल टू साइन थीटा सपोज कर लेंगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके तो यहां से हमें पता चल जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके अब हम क्या करेंगे, RHS लेंगे, RHS में है हमारे पास साइन इनवर्स 3 x की जगह साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके ये तो हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा ये बन जाएगा अंदर। ओके साइन के साथ साइन इनवर्स मैंने कट कर ली, लेकिन कट करने के लिए हमें पता है कंडीशन को फॉलो करना जरूरी है, हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है, x बिलोंग्स टू 1/2 से 1/2 माइनस 1/2 से प्लस 1/2, यानी कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस 1/2, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो इक्वल टू लिखना पड़ेगा x एंड प्लस 1/2, इन दोनों में बिलोंग करता है। ओके और हमें पता है कि अगर मुझे साइन एंड साइन इनवर्स को कट करना है तो ये जो थीटा है तो यहाँ पे क्या है 3 थीटा है, वो कहाँ किस में बिलोंग करना चाहिए, साइन के पीवीबी, तो साइन के पीवीबी माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में बिलोंग करना चाहिए, इसमें से कहीं पर होना चाहिए। ओके तो चलो देखते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू साइन है और हमें पता है कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल थीटा मिलता है, तो मैं साइन इनवर्स एक्स दोनों तरफ ले लेता हूं, तो साइन इनवर्स एक्स यानी कि साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ओके सॉरी यहाँ पे माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 कहाँ पे आता है, तो साइन इनवर्स में हमें पता है कि कहाँ किससे कहाँ देखना है, दो क्वाड्रेंट में देखना है, दो क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो माइनस 1/2 माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा यानी कि माइनस थीटा हमें लेना पड़ेगा, तो 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है साइन की, साइन की 1/2 वैल्यू पाई बाय 6 पे होती, लेकिन थीटा माइनस लेना यानी कि माइनस थीटा यानी कि माइनस पाई बाय 6। ओके लेस देन और इक्वल साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ पे प्लस पाई बाय 6 आएगा, हमें पता है साइन इनवर्स 1/2 ये कहाँ से आता है, साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन पाई बाय 6 मैं लिख सकता हूँ। ओके साइन के साथ साइन कट, क्योंकि पाई बाय 6 तो इनमें आ जाता है, तो आंसर आएगा पाई बाय 6। ओके अब हमें 3 थीटा चाहिए, यहाँ पे 3 थीटा है, यहाँ पे थीटा अभी है, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखो पाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 थीटा, यहाँ पे पाई बाय 2, तो हम देख सकते हैं 3 थीटा हमारा किसके बीच में है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, यानी कि हम 3 थीटा साइन एंड साइन इनवर्स को कट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 3 थीटा। ओके कट कर लिए, अब थीटा की वैल्यू वापस रख लेते हैं, 3 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा LHS आ गया, देखो 3 साइन इनवर्स एक्स, तो हमने प्रूव कर लिया विच इज इक्वल टू LHS। ओके तो RHS विच इज इक्वल टू LHS हमने प्रूव कर लिया। ओके तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें इक्वल टू के उस साइड हमें कॉस इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे कॉस के फॉर्म में है, तो फिर से लिखना पड़ेगा। चलो उसमें 2 नंबर, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स, एंड यहाँ पे एक्स दिया है 1/2 से 1 तक। ओके ये कंडीशन जरूरी है हमें लिखना, तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में क्या बनता है, cos 3 थीटा बनेगा, अगर मैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है 4 3 3। ओके तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा,
तो आप x की जगह cos थीटा सपोज करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी करता हूँ, तो मैं क्या ले लेता हूँ, RHS ले लेता हूँ, और एक मिनट चलो लिखते हैं, x इज इक्वल टू cos थीटा लिखते हैं, सपोज करते हैं, ले लेते हैं, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा, फाइन। अब मैं RHS ले लेता हूँ, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा बन जाएगा अंदर, ओके आप देख सकते हैं। तो cos इनवर्स हमें पता है, इस दोनों को हमें कट करना है, लेकिन कट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि 3 थीटा हमारे जो PVB है उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे cos को हमें रिमूव करना है, तो cos का PVB क्या होता है, 0 से पाई उसमें बिलोंग करना चाहिए, यहाँ ये हमारा 3 थीटा, सॉरी cos इनवर्स एंड cos कट कर सकते हैं, यानी कि 3 थीटा एंड थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x, तो हमारा RHS हमें LHS हमें मिल गया, ओके। तो चलो हम देखेंगे वो कल कि कैसा आता है। तो एक काम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ओके। तो ये तो सिंपल ही है, देखो आप tan इनवर्स 1/2 ये LHS देखेंगे तो इसका फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली है, कहां स्टैंडर्ड 12 में फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ओके। तो ये फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, तो tan इनवर्स x की जगह 2/11, ये हमारा x है ये हमारा y, ओके x एंड y वत्ता सॉरी प्लस 2/24 1 माइनस 2/11 एंड 7/24, ओके। तो इसका आंसर आप फाइंड करेंगे तो ये tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा, ओके। तो आप इसे सिंपलीफाई करना तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड जैसा ही है लेकिन उसमें थोड़ा ट्विस्ट है, प्लस tan इनवर्स 1/7 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो हमें LHS से RHS प्रूव करना है, ओके। तो LHS में tan इनवर्स है, RHS में भी tan इनवर्स है, तो कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम क्या ले लेते हैं, LHS अभी ले लेते हैं। तो LHS हमारे पास ये है, ओके ये हमें रिमूव कर लेते। तो अब यहाँ पे हमें RHS में भी tan ही लाना है, तो आप आगे हमने क्या किया था, tan इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ओके ये 2 देखो आप 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x वाला, 6 नंबर पर, 6 नंबर का देखो कौन सा फॉर्मूला है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का tan इनवर्स के फॉर्म में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड 12 में 6 नंबर का फॉर्मूला उसमें थर्ड नंबर वाला, तो इसकी जगह में 2 tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स 2x, 2x यानी कि 2x की जगह 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, यहां से 2 2 कट, तो tan इनवर्स 1, यहां पे देखो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 यहां पे चला जाएगा, 4 माइनस 1/4 तो 3/4 आएगा, ओके। तो tan इनवर्स 4 ऊपर चला जाएगा यानी कि 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है, देखो
क्वेश्चन नंबर थ्री, कैसे बनता है? तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए क्या फॉर्मूला है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 1 अपॉन 7 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 1/3, 1/7। इसका आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें आंसर LH, हमने RHS लिए तो RHS मिल जाएगा, LHS लिए तो RHS हमें 10 इनवर्स 31/17 मिल जाएगा। ओके, तो आपको सिंपली ये सिंप्लीफाई करना है।